हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSSV की, जो PRT की, TGT का तो एग्ज़ाम होना है, PGT की बात करेंगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है, वैकेंसी कब तक आ सकती है, जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है मेरे पास। और अगली बात करूँ तो KVS की जो न्यू वैकेंसीज हैं वो कब तक आ सकती हैं, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब तक एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DSSSV की। देखिए, अभी रिसेंटली हुआ क्या कि DSSSV की लगभग 568, मतलब 568 जो वैकेंसीज हैं वो सेंड की गई हैं, कि इतनी वैकेंसी जो हैं वो अवेलेबल हैं। और PRT की, इसके पहले RTI के माध्यम से जो पता चला था, लगभग DSSSV PRT की वो लगभग 1072, ये एक डिपार्टमेंट का था, आई थिंक NDMC का था जो भेजा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी कि लगभग 568 PGT की भेज दी गई और लगभग 1072 NDMC के द्वारा जो है वैकेंसीज भेज दी गई हैं। अब क्यों नहीं आ रही वैकेंसी, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो है वो रिक्विजिशन जो है वो पेंडिंग हो गई हैं। और जनरली होता क्या है कि MCD, DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, MCD और NDMC, जब ये तीनों अपना रिक्विजिशन या जो भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं तीनों भेजती हैं, तो क्या करता है डिपार्टमेंट, तीनों की वैकेंसीज देखता है। और जब तक तीनों नहीं भेजते तो एक साथ ये वैकेंसी देते हैं। ऐसा नहीं कि NDMC ने भेज दिया और ये वैकेंसी जारी कर दें। तो अभी हो सकता है NDMC ने भेजा है, फिर MCD भेजे, फिर DOE भेजे कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, तब जाके ये DSSSV जो है वो PRT की हो, PGT की हो, वैकेंसीज जारी करता है। तो मेन मामला यही है कि अभी एक डिपार्टमेंट भेज रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट ने अपना रिक्विजिशन नहीं भेजा है, और जिसकी वजह से सारे रिक्विजिशन पेंडिंग चल रहे हैं, डिले चल रहे हैं। जैसे ही MCD, DOE और NDMC तीनों अपने जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स हैं, वो भेजेंगे डिपार्टमेंट को, वहाँ से आपको तब जाके तीनों का इंक्लूड करके आपको वैकेंसीज जारी कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो लगभग बात करें तो 30-24, मतलब 21-2200 लगभग वैकेंसीज आने को हैं जो आ सकती हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और कब तक आ सकती हैं, अगर मैं बात करूं, हो सकता है सितंबर लास्ट या अक्टूबर मंथ में आपको DSSSV की, PRT की, PGT की ये सारी वैकेंसी जो हैं या अदर हैं वो देखने को मिल जाए आपको। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिएगा, आपको जल्दी वैकेंसीज DSSSV की देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं KVS की, कि KVS में क्या चल रहा है भाई, कि KVS की वैकेंसीज आने वाली थी, ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, क्या सच में वैकेंसीज आएंगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी आपने देखा होगा कि स्पेशल एजुकेशन को लेके कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, और उसके लिए जो है KVS ने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो नहीं बना पाया था KVS बाकी सारी चीज़ों के लिए। उनके पास न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग PRT की, TGT की, PGT की सारी चीज़ें उनके पास प्रिपेयर थी, बट बीच में कोर्ट का डिसीजन आ जाता है किस किस चीज़ को लेके, स्पेशल एजुकेशन को लेके। तो अब KVS कर क्या रहा है कि स्पेशल एजुकेशन पे, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि इतनी वैकेंसीज जो हैं इसका जल्दी एग्ज़ाम कराएगा KVS। लेकिन अब KVS कर क्या रहा है, KVS कर रहा है कि इस जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इसके लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए वो बना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। जैसे ही सारी चीज़ें प्रिपेयर होंगी तो आपको, मैं अगर बात करूं तो नवंबर दिसंबर या जनवरी में आपको जरूर KVS की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत फास्ट मोड में था KVS, जरूर आपको इधर ही दे देता, अक्टूबर में ही दे देता, लेकिन ये जो कोर्ट के डिसीजन की वजह से, स्पेशल एजुकेशन की वजह से इनके रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने थे, जो कि KVS प्रिपेयर कर रहा है, और आपको देखने को वैकेंसीज जरूर मिलेंगी। तो मैं कहूँ तो नवंबर दिसंबर तक वेट करिए, आपको हो सकता है KVS की वैकेंसीज जरूर देखने को मिलेंगी, आएगी जरूर, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काम बहुत तेज़ी या फास्ट मोड में चल रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में यही तक, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।